मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह वीडियो प्रत्येक मेष राशि वाले जातक और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। जो भी जातक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे वो अपने जीवन में तरक्की और उन्नति के मार्ग को खोल सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में मेष राशि वाले क्या व्यापार करें, क्या बिजनेस करें, किस प्रकार की नौकरी करें या ऐसा क्या काम करें जिससे सफलता, धन, यश मिले और जीवन में सफल हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस राशि वालों के साथ में साझेदारी में व्यापार कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अशुभ मंगल जन्म कुंडली में हो तो आपके जीवन पर इसका क्या बुरा असर देखने को मिलता है या क्या असर होता है यह मैं बताऊंगा, और साथ ही अशुभ मंगल को शांत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ऐसे कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही मंगल के दो शांति मंत्र यानी चमत्कारिक जो मंगल के मंत्र होते हैं वह दो मैं चमत्कारिक मंत्र भी आपको बताऊंगा। यहाँ स्क्रीन पर वो मंत्र मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगा और साथ में आप अगर वो मंत्र मेरे से ग्रहण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देखकर वो मंत्र आप दोहराएं मेरे साथ साथ में और मेरे से मंत्र वह ग्रहण करें। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना। मेरा यह वीडियो जन्म कुंडली में जिसकी मेष राशि है यानी कि चंद्र राशि पर मेरा यह वीडियो आधारित है और केवल जिनकी मेष राशि है उनके लिए ही मेरा यह वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत देखने को सूचना मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख सके। मेरे से अगर आप फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इस नंबर पर केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे तक मेरे को फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फोन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मेष राशि वाले क्या क्या बिजनेस करके, व्यापार करके या काम करके सफल हो सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको मेष राशि और मंगल के बारे में बता देता हूं। आपकी जो मेष राशि है वह 12 राशियों में पहले नंबर की राशि है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है। मंगल जो है शौर्य और बल का प्रतीक है। मंगल की राशि वाले जातक निर्भय और बहुत ऊर्जा के साथ साथ स्फूर्तिवान भी होते हैं। मेरा मेष राशि के जातकों पर अग्नि तत्व का प्रभाव होता है। काम के प्रति समर्पित होने के कारण मेष राशि के जातक सफल व्यापारी बन सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत चौकन्ने और सावधान होकर करते हैं। आपके अंदर एक सफल व्यापारी, उद्योगपति, निर्माता और बिजनेसमैन के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। आप जिस काम को भी करते हैं बहुत ऊर्जा लगाकर उसको सफल बनाने में लगे रहते हैं और जीवन में काफी अच्छा काम करके सफल हो सकते हैं। अगर आप किसी काम में अकेले हैं और या फिर किसी काम को आप मुखिया बनकर करते हैं तो सफलता आपको लगभग निश्चित मिलती है। आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। आप किसी काम को अगर पूरा समझ जाते हैं तो फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि आप उस काम में विशेषज्ञ बन जाते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सरल, सबसे ज्यादा आपको जो है इंजीनियरिंग का काम करना अच्छा लगता है या अच्छा रहता है आपके लिए। अगर आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते या असफल होते हैं तो इसका कारण भी केवल आप ही होते हैं। आप अगर धैर्य और थोड़ा सा शांति से समझकर काम करें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब कभी आपके काम में कमी आती है या अगर आप व्यापारी है और व्यापार में थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है तो आप जल्दी ही अस्थिर हो जाते हैं। आपका ध्यान भी तुरंत भटकना शुरू हो जाता है। आप हर काम को तेजी से और जल्दी से करने में विश्वास करते हैं, इसलिए अगर किसी काम में देरी होती है या लाभ मिलता है या लाभ मिलता हुआ नहीं दिखता तो तुरंत उसको छोड़ भी देते हैं आप। लेकिन अगर आप किसी एक ही काम में तन मन से जुड़ जाए और थोड़ा सा धैर्य भी साथ में रखें तो आप कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप सफल हो सकते हैं। आप वैसे तो तांबे का काम करें तो सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मेडिकल साइंस या मेडिकल लाइन, डॉक्टर है, क्लिनिक है, दवा के विक्रेता है का काम करें तो अधिक रुचि से कर सकते हैं और ऐसे काम में आपको मन अधिक लगेगा और आप सफल भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप कलाबाजी है, कलाकारी है, गणित है, अस्त्र शस्त्र के विक्रेता, निर्माता या फिर फिजिक्स, अकाउंट, आर्किटेक्चर,
आदि के काम में आप ज्यादा सफल हो सकते हैं। वास्तुशास्त्री बनकर भी आप बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको इन सब व्यापार में या बिजनेस में या फिर उत्पादन के क्षेत्र में भारी सफलता मिलती है। आप अगर हमेशा किसी समझदार और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह से काम करें तो जीवन में ज्यादा सफल हो सकते हैं और लाभ भी आप कमा सकते हैं। आप हमेशा जल्दबाजी से बचें। अगर कोई दुकान आदि करना चाहते हैं तो आप तंबाकू है, आतिशबाजी है, बिजली के सामान की दुकान है, खनिज पदार्थों की दुकान है, सीमेंट की दुकान है या सीमेंट का उद्योग है उससे संबंधित कोई काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, कोयले का काम कर सकते हैं, खनिज तेल का काम कर सकते हैं, केमिस्ट का काम कर सकते हैं, घड़िया है, रेडियो है, मोबाइल है, या फिर पहलवानी से संबंधित फिटनेस का जो सामान बेचा जाता है लिया जाता है वो काम कर सकते हैं, या फिर कोई फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं, व्यायामशाला खोल सकते हैं। इस ऐसे कामों में आपको ज्यादा सफलता मिलती है। वैसे अगर आप खेलकूद की सामान की दुकान का निर्माण का दुकान खोलें या फिर खेलकूद के सामान का निर्माण करना शुरू कर दें तो भी आपको बहुत भारी सफलता मिलती है। इसके अलावा रंग रोगन का काम करें तो भी आप अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सब काम से आप बहुत अधिक धन कमा सकते हैं और एक सफल व्यापारी भी बन सकते हैं। मान सम्मान यश आदि सब आपको इस प्रकार के काम करके ही जीवन में मिल सकता है। आपकी मेष राशि है और आपकी राशि का स्वामी मंगल है जिसको नव ग्रह में सेनापति का पद प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने का गुण है और आप लड़ना भिड़ना और संघर्ष करने से कभी भी घबराते नहीं हैं। आप हमेशा बहुत हिम्मत के साथ सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखते हैं। विशेषकर जहां आपको साहस शक्ति तीव्रता और शौर्य दिखाने का मौका मिलता है तो आप अपने आप को संपूर्ण शक्ति लगाकर ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देते और सफल होने का पूरा पूरा प्रयास भी करते हैं और ज्यादातर मौकों पर आप सफल होते हैं। आप में जो ऊर्जा है वही आपका आत्मविश्वास भी होता है। जहां प्रतियोगिता होती है वहां आप अपना प्रदर्शन बहुत शानदार करते हैं। फिर चाहे वो खेल की प्रतियोगिता हो या अन्य प्रकार का कोई कंपटीशन हो, आप हमेशा ऐसे कार्यों में सबका ध्यान आकर्षित अवश्य करते हैं। अगर आप राजनीति में भाग्य आजमाते हैं तो भी आप एक शक्तिशाली नेता बनकर ही उभरते हैं और केवल शक्तिशाली नेता ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी प्रिय नेता बनकर आप उभरते हैं। बड़ा पद आपको मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। आपके राशि के स्वामी मंगल के स्वभाव के अनुसार आप जो है पुलिस, सेना, जासूसी, सर्जरी, किसी भी प्रकार का यांत्रिक काम हो, एथलेटिक्स हो आप बन सकते हैं, या अग्निशमन है, साहसिक यात्राएं करना हो और मनोवैज्ञानिक का कोई काम करना हो, या अनुसंधानकर्ता बनकर आप काफी आसानी से यश मान कीर्ति और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। मंगल को भूमिका कारक भी माना जाता है, इसलिए आप मकान बेचने का काम या मकान को लेन देन करने का काम आप करके सफल हो सकते हैं। बिल्डिंग लाइन और बिल्डिंग मटेरियल का सामान का व्यापार अगर आप करते हैं, जैसे रेती है, सीमेंट है, ईंटें हैं, या वो खड्डी कंक्रीट वगैरह जो भी होता है बिल्डिंग बनाने में काम आता है मटेरियल, वो सब सामान का आप काम करके भी जीवन में अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी देखें तो आप एक्शन फिल्म या एक्शन सीन या एक्शन डायरेक्टर बनकर भी फिल्म लाइन में सफल हो सकते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है, अनाज है, गुड़ है, तिल है, तांबे का काम है आदि का काम करके भी आप बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। यह तो मैंने कुछ काम आपको बताए हैं। अगर आप पहले से ही इन कामों में जुड़े हुए हैं तो जीवन में निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर मिल रही ही होगी। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपके राशि का स्वामी मंगल जो है वह कमजोर है। एक बार अगर आप सफल नहीं होते हैं या आप कोई काम बदलना चाहते हैं या कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताओ और फिर वो विद्वान ज्योतिषी आपको जो सलाह दे आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखकर, आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति को देखकर, उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा सफल
जल्दी होंगे और यशमान कीर्ति प्रतिष्ठा के साथ में सुख वैभव ऐश्वर्य भी आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर आप व्यापार या कोई काम किस किस राशि वालों के साथ में करें तो अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मेष राशि है आपकी, और अगर मेष राशि वाले जातक हैं आप, तो आप कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के साथ में व्यापार करें तो सफल हो सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर वृश्चिक राशि का नाम भी लिया है आपके सामने। वृश्चिक राशि का आपकी राशि के साथ में षडाष्टक योग बनता है, लेकिन वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है, इसलिए आपक जो आपका आपस का स्वभाव है वह मेल खा सकता है। इसलिए आप वृश्चिक राशि वालों के साथ में भी अगर व्यापार करते हैं तो भी सफल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी राशि का स्वामी मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था का है तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में दिखते हैं या जीवन में पड़ते हैं। हालांकि मंगल को एक पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन एक तरफ अशुभ मंगल यदि जीवन में हानि करता है तो दूसरी ओर मंगल राजयोग जैसे फल भी देता है। अगर मंगल चौथे सुख और माता स्थान में हो तो जातक को घर, माता, पत्नी के सुख से वंचित भी करता है, लेकिन चौथा मंगल जिसके हो उसको बड़ा पद धारण करने वाला कर्मचारी भी बनाता है और संपन्न जीवन, पिता का भरपूर सुख जैसे फल भी प्रदान करता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में स्व राशि का, चाहे मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो मंगल, या फिर मकर राशि में बैठकर उच्च का हो मंगल, तो पाप प्रभाव जीवन में बढ़ जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि अगर मंगल लग्न में स्थित हो तो पत्नी से संबंध खराब करता है और बिछड़ा भी देता है। चौथे भाव में अगर मंगल हो तो घर में प्राय प्राय हमेशा कलेश बना रहता है, और अगर सप्तम जीवन साथी स्थान में मंगल बैठा हो तो जीवन साथी की मृत्यु या वैवाहिक जीवन में सुख जो है वह स्थायी रूप से छीन लेता है। और अगर मंगल बारहवें भाव में हो तो धन की कमी और हानि हो जाती है, और जातक को कंगाली का स्थिति, कंगाली जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है या होकर उसमें से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी तो सरकारी दंड, राजदंड या कानूनी कार्रवाइयों का सामना बहुत करके बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ता है। तीसरा मैं एक और बताता हूं कि अशुभ मंगल के क्या प्रभाव होते हैं। जब किसी की शादी होती है तो कुंडली मिलान में सबसे पहले मंगल की स्थिति को देखा जाता है, क्योंकि मंगल एक पापी और आक्रामक ग्रह होता है, और जब जन्म लग्न से पहले चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक बन जाती है और कुंडली में मंगल मिलान करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे माना जाता है या कहा जाता है कि मंगल का जो असर है वह 28 से 32 वर्ष तक की उम्र तक ही रहता है, लेकिन इस आयु तक जातक को काफी हानि करवा देता है। मंगल जीवन साथी की मृत्यु होना, तलाक होना, व्यापार व्यवसाय में घाटा होना, नौकरी छूट जाना और भी जीवन में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये प्रभाव मैंने यहाँ आपको कुछ बताए हैं। यह सब 28 से 32 साल के अंदर अंदर जिसका मंगल कुंडली में अशुभ होता है उनको सहन करने पड़ते हैं। चौथा है कि अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो जातक पर चोरी का इल्जाम लगता है और कानूनी पचड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तीसरे भाव का अगर मंगल हो तो बड़े भाई का जो सुख है उसे वंचित करवा देता है। पांचवें और दसम भाव का या एकादश भाव का मंगल सत्ता की हानि करवाता है, सत्ता से वंचित करता है। तो अभी हमने मंगल के केवल अशुभ प्रभाव देखे हैं। मंगल के शुभ प्रभाव मैं पहले एक और वीडियो बनाकर पेश कर चुका हूं आपके सामने। अगर मंगल के शुभ प्रभाव देखने हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो मेरे चैनल पर देखें, उसमें आपको मंगल के शुभ प्रभाव भी समझ आ जाएंगे कि जिनका मंगल शुभ होता है कुंडली में उनको जीवन में मंगल कैसे सपोर्ट करता है, कैसे आगे बढ़ाता है और क्या क्या सुख प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अशुभ मंगल की शांति कैसे की जा सकती है। पहला है, जिनकी कुंडली में अशुभ मंगल बैठा हो उनको हमेशा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए,
हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर नित्य दर्शन करना चाहिए, पूजन उनका करना चाहिए, उनको दीप दान करना चाहिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, गणपति स्तोत्र का पाठ लगातार नियमित करते रहना चाहिए। दूसरा जो उपाय है, अगर कुंडली में मंगल अशुभ हो, बुरा फल दे रहा हो या अशुभ स्थान में बैठा हो तो क्या करना चाहिए, लाल चंदन, लाल फूल और बेल की जो छाल होती है वह, या फिर जटामासी, मालकांगनी या फिर मिश्री जल में डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो इससे मंगल का जो प्रभाव है वह अशुभ होता है वह कम हो जाता है, थोड़ा शुभ फल देना शुरू कर देता है। तीसरा मंगल का जो मैं उपाय है वो बता रहा हूं कि लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फूल, मसूर की दाल, गुड़, लाल चंदन, घी, केसर, गेहूं, मिठाई, पतासे, रेवड़ी आदि प्रत्येक मंगलवार को आप दान करें, इससे मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। चौथा है, प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में एक निश्चित संख्या में उड़द की दाल दान करना, मंगलवार को सिंदूर चढ़ाना, खुद के भी सिंदूर का टीका लगाना, मंगलवार को गुड़ मसूर की दाल दान करना, पतासे को, गुड़ को और रेवड़ियों को बहते जल में प्रवाहित करने से मंगल के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसमें कमी आती है। और खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ हो वो अपने भाइयों को कभी भी दुखी ना करें और न ही भाइयों से कुछ छीने या भाइयों के प्रति मन में बैर रखें, इससे भी मंगल का अशुभ प्रभाव बढ़ता है। अगर आप भाइयों का कोई हक नहीं छीनेंगे, भाइयों को दुखी नहीं करेंगे या भाइयों से का कुछ नहीं छीनेंगे तो मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। प्रत्येक मंगलवार को भोजन में तुलसी का पत्ता और काली मिर्च का थोड़ा सेवन अवश्य करें, अशुभ मंगल के प्रभाव भी आपके ऐसा करने से कम हो जाएंगे। आपको अधिक एनर्जी या ऊर्जा के लिए मूंगा अपनी पहली अंगुली में सोने या तांबे में धारण करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना आपको नियमित करना चाहिए और मंगल के मंत्र का जाप रोजाना दो माला मूंगे की लाल रंग की माला से करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। मंगल का मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको यहाँ पर दो मंत्र बताऊंगा, आप कोई एक मंत्र कर सकते हैं। आप किसी भी मंगलवार को मेरे से यह मंत्र इस वीडियो को देखकर, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप बोलकर ग्रहण कर सकते हैं। मैं मंत्र को तीन बार बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ मंत्र को बोलना। मंत्र जो है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इसको देखकर आप तीन बार मेरे साथ दोहराएं। मैंने आपको यह कहा है अभी कि मैं आपको मंगल के दो चमत्कारिक मंत्र जो है मुख्य मंत्र होते हैं वह चमत्कारिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र आदि, वह बताऊंगा। आप लाल मूंगे की माला से मंगलवार के दिन से शुरुआत करें तो आपका मंगल जो अगर अशुभ होगा वह अशुभ फल देना कम कर देगा। अगर आप मेरे से मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप पहला मंत्र देख रहे हैं, आप इस मंत्र को देखते हुए मेरे साथ में तीन बार बोलें। मैं तीन बार इस मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ साथ करें और मेरे से यह मंत्र ग्रहण करें। इसी प्रकार से मैं जब दूसरा मंत्र बोलूंगा जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखते हुए उस मंगल के मंत्र का उच्चारण मेरे साथ में तीन बार करें तो वह दूसरा मंत्र भी आप मेरे से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से पहला मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मैं अब आपको दूसरा मंत्र भी बता रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस मंत्र का जाप आप मेरे साथ में तीन बार लगातार बोलें और मेरे से ग्रहण करें। अगर आप आज नहीं कर सकते तो किसी भी मंगलवार को मेरा यह वीडियो देखकर आप मेरे साथ में इसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके मेरे से ग्रहण करके फिर रोजाना इसके जाप करना शुरू कर दें। जाप कम से कम आप 11,000-12,000 की संख्या में जरूर करें। दूसरा मंत्र,
ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। आशा करता हूं कि आपने मेरे साथ में मंगल के मंत्र का उच्चारण करके ग्रहण कर लिया है और अब आप मंगलवार से नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करते रहें। इससे आपको अगर मंगल से संबंधित कोई तकलीफ है या मंगल का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में है या अशुभ फल आपको मिल रहा है तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे जाप करते रहेंगे वैसे वैसे अशुभ फलों में मंगल की कमी आती जाएगी। यह था आज के वीडियो में मंगल की मेष राशि के बारे में जानकारी, मेष राशि वाले क्या काम करके जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं और अशुभ मंगल के प्रभाव से होने वाली हानि और बचाव के लिए कुछ उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ ही मैंने दो मंत्र भी आपको बताए हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि जिनके कुंडली में मंगल अशुभ है वो भी अपना जीवन और मंगल का उपाय कर सके और मंगलमय जीवन जी सके। अगले वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के बारे में ऐसी ही पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए। तब तक जय जिनेंद्र।